अरे बेटा, आज तेरा जन्मदिन है ना, मैं तेरे लिए नए कपड़े लेकर आई हूँ। लेकिन मम्मी, मुझे नए कपड़े नहीं चाहिए। आपको पता है ना, मुझे पेंटिंग करना अच्छा लगता है। मम्मी, मुझे कलर क्यों नहीं आए यहाँ? पर बेटा, मैं तो ये ड्रेस ले आई हूँ ना तुझे, नए कपड़े। मम्मी जी, मुझको नहीं चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, इस बार नए कपड़े ले ले, मैं अगली बार तुझे पेंटिंग कलर ले आऊंगी। अरे बेटा, तू इतनी उदास क्यों है? मम्मी जी, मुझको कपड़े नहीं चाहिए। बेटा, इस बार तू ये नए कपड़े पहन लेना ना, मैं अगली बार तुझे पेंटिंग के कलर ले आऊंगी। ठीक है माँ, कोई बात नहीं है। अरे बेटा, तू इतना उदास क्यों हो रही है? अभी ना तू एक काम कर, मेरे साथ काम पे चल, हम वहाँ से लौटते वक्त तेरे लिए पेंटिंग कलर भी ले लेंगे। सच्ची माँ? हाँ बेटा सच्ची। चल अब मेरे साथ काम पे चल, वरना मुझे बहुत देर हो जाएगी, है ना? अरे बंदना आंटी, आप इस रोशनी को अपने साथ लेके क्यों आई हो? अरे वो ना, आज मेरी बेटी का मन था ना आने का, इसलिए मैं उसको लेकर आ गई। ओ अच्छा अच्छा, ऐसी बात थी। वैसे आज ये रोशनी कैसे गंदे गंदे से कपड़े पहन रखे हैं, फटे हुए। बिल्कुल पागलों की तरह लग रही है। आज मेरा जन्मदिन है ना, इसलिए मैंने नए कपड़े पहन रखे हैं। अरे नए कपड़े? अरे ये तो मुझे बिल्कुल भी कहीं के एंगल से नए कपड़े नहीं लग रहे। क्या जन्मदिन? तुम लोग भी जन्मदिन मनाते हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अरे रोशनी बेटा, तू यही बैठ के अपनी पेंटिंग कर, मैं ना किचन का काम करके आती हूँ। ठीक है बेटा? और किसी भी चीज से हाथ मत लगाना। हाँ ठीक है। अच्छा तो बेटा ड्राइंग कर रही है, अभी बताती हूँ तुझे मैं। अरे रोशनी, तुझे ना मेरी मम्मा बुला रही है, शायद कुछ कह रही है तुझसे। पूछ के आए ना, क्या कह रही है वो? बहुत शौक है ना इसे पेंटिंग करने का, अभी करवाती हूँ इसकी पेंटिंग। आई बड़ी पेंटिंग करने वाली, मुझ पर डांट पड़वाई थी, वो भी मुझ पर। इसकी बेटी को तो मजा चका दिया, अब माँ को मजा चका कर आती हूँ। ये वन मेरी पेंटिंग
अरे बेटा क्या हुआ? देखना मेरे कलर पूरे किसने तोड़ दिए। अरे बेटा ये तेरे सारे कलर किसने तोड़ दिए और तेरी पेंटिंग खराब कर दी। बेटा तो रो मत बेटा, वो रोशनी के सारे कलर पता नहीं किसने तोड़ दिए और उसकी पेंटिंग खराब कर दी। ऋषिका ये क्या है? मैंने तुमको कलर तोड़ते हुए देखा है। तुम किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकती, तुम बुरा भी नहीं कर सकती, ठीक है ना? तुमने उसके कलर क्यों तोड़े? अरे मम्मा मैंने नहीं तोड़े, कोई उसके कलर वाला। अच्छा तो झूठ बोलती हूँ मैं, अभी तुम्हारे कलर लेकर आऊँ और तोड़ू? मम्मी का इतना घमंड करती हो, अगर तुम रोशनी की जगह होती ना जब तुम्हें पता चलता गरीबी क्या होती है। शर्म आने चाहिए तुझे, तू किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकती तो ऐसा करने में तुझे शर्म आने चाहिए। ए? इतनी मूर्ख लड़की, भगवान ने मुझे क्यों दी ऐसी औलाद? और चलो उससे माफी मांग, चलो अभी माफी मांग उससे। मम्मी मुझे माफ कर दो, सॉरी बन आंटी मुझे माफ कर दीजिए, मैं ना अमीरी पे बहुत घमंड करने लग गई थी, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। हाँ आंटी अब मैं कभी नहीं करूंगी, प्लीज आंटी आप मुझे माफ कर दीजिए। अरे बेटा माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बेटा तुम्हें अकल आ गई है ना, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? क्या आपने मुझे माफ कर दिया? थैंक यू आंटी, आप कितनी अच्छी हो। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं ना उसके लिए नए कलर्स ले आऊंगी, उसको पेंटिंग करने की बहुत शौक है ना, तो मैं उसको नए ही ला के दे दूंगी। और हाँ उसके बर्थडे पे मैं केक भी लाऊंगी और उसको नए नए कपड़े भी दिलवाऊंगी। बेटा अब वो तुम्हारे लिए नए कलर भी लेकर आई है, अब तुम खुश हो जाओ। हाँ और तुम्हारा जन्मदिन भी मनाएंगे अब। ठीक है मम्मा। हाँ।